स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। जब जब देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है, केवल विरोध के लिए विरोध करना। इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं, आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। ये क्या बहिष्कार करेंगे? सांसद एक पवित्र संस्था है, लोकतंत्र के दिल की जीवंत धड़कन, यही देश के उन नीतियों पर फैसला होता है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आता है, मूल्य की नियति बदलती है, मुल्क की नियत बदलती है। ऐसी महान संस्था के प्रति विपक्षी दलों द्वारा यह अनादर और अपमान महद बौद्धिक दिवालियापन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की मूल आत्मा और मर्यादा का उदाराघात है। कांग्रेस और उनके साथ जो पार्टियां बहिष्कार कर रही है उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। ये केवल संसद भवन नहीं है, 140 करोड़ जनता की आस्था का यह मंदिर है और नए भारत की ताकत का ये एक प्रतीक है कि 3 या 4 साल में इतना बड़ा संसद भवन भारत बना सकता है, इसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है। लेकिन इन नेताओं का दोगलापन देखिए, ये कहते हैं कि राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन करना चाहिए और इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। तो इंदिरा जी ने संसद की एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? महाराष्ट्र के विधान भवन का उद्घाटन इंदिरा जी ने किया, तब ये बात क्यों नहीं आई? राजू जी ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? तमिलनाडु के विधानसभा के उद्घाटन में सोनिया जी थी, उस समय ये बात क्यों नहीं आई? नीतीश कुमार जी ने बिहार के विधान भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसका उद्घाटन किया, तब राज्यपाल जी को क्यों नहीं बुलाया गया? तो जब ये करेंगे तो लोकतांत्रिक और प्रधानमंत्री मोदी जी जब नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और जन जन की आस्था का प्रतीक इस प्रकार का संसद भवन जिसको देखकर पूरी दुनिया अचंभित है, ऐसे समय बहिष्कार की बात करना दोगलापन है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।